हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और भाई मतलब कि अभी हम लोग गोल्ड में जाने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक न्यू ईयर चैलेंज आया है। तो उसके लिए मतलब कि मुझे पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। 1000 चाहिए फिर हमें जाके मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 100 मिलेंगे अगर मैं कुछ कुछ पॉइंट्स करूँ। तो भाई अभी मतलब कि मैं जाने वाला हूँ इसमें लैब में। तो भाई यहाँ पे मैं अभी 100 करने वाला हूँ, सेल खरीदने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये मिशन है। तो यहाँ पे मैं टेरेसा के सारे मतलब कि कॉइन्स वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि भाई हमारा मिशन का वो हो जाए। और ठीक ही है, अभी हमारे सारे सोल्ड आउट हो गए और भाई यहाँ पे हमारे 100 सेल भी हमारे हो गए होंगे। तो अभी देखते हैं यार कब मिलते हैं। तो भाई अभी तक मुझे मिला नहीं गोल्ड। ओके यार, अब मुझे मिल चुका है। तो भाई यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं गोल्ड के, तो ये तो काफ़ी सही है। और भाई यहाँ पे मुझे 2 चेस्ट भी मिल गई हैं, तो अभी मैं इसको बाद में ओपन करता हूँ। तो भाई ये तो काफ़ी सही होगी, बाकी मैं और मिशन वगैरह देख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे वॉच 30 मॉन्स्टर फूड है, मतलब कि ऐड वगैरह देखना है। तो भाई वीडियोस वगैरह तो मैं बाद में देखूंगा। बाकी यहाँ पे भाई ब्रीड भी वगैरह करना है, और भाई फीड वाला मैं आसानी से कर लूँगा। तो भाई इसके लिए मैं फूड वगैरह मैं ग्रो में कर लेता हूँ। तो ठीक है, ये ग्रो हो रहे हैं। बाकी यार ये जो इवेंट है, इससे मुझे 100 जेम्स मिलेंगे। और भाई मैं अभी तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ गोल्स में। तो भाई यहाँ पे टोटल 1000 हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे मतलब कि तकरीबन मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, मगर सही है, कोई बात नहीं। बाकी यार यहाँ पे एक मेरा मॉन्स्टर हैच हुआ हुआ है, लेजेंडरी है। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत और लेजेंडरी हैच कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ये भी एक मिशन ही है। तो भाई आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। भाई यहाँ पे एक लेजेंडरी मेरा हैच हुआ हुआ है, जिसका नाम है प्रेजियोड, ऐसे कुछ नाम है। तो उसके लिए अभी मेरा हैबिटेट तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं मॉन्स्टर वॉल से कुछ मतलब के सेल कर देता हूँ। तो भाई मैं इस एपिक को शेयर कर देता हूँ, किसी काम का नहीं है मेरे। तो अभी यार यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और देखता हूँ यार, इसको मैं हैच कर देता हूँ। तो ठीक है यार, ये हैच हो गया है। और भाई इसके भी स्पेशल मूव वगैरह तो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि भाई ये लेजेंडरी मॉन्स्टर है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी भाई अभी मैं जाने वाला हूँ, भाई कितने पॉइंट्स हो गए मैं ये देख लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मेरे 160 पॉइंट्स हो गए, तो 160 पॉइंट्स सही है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। और भाई मुझे 1000 चाहिए। तो यार अभी मैं चले जाता हूँ यहाँ पे। और भाई यहाँ पे मैं 2 चेस्ट को खोल लेता हूँ, जो अभी मुझे पहले मिली थी। और भाई देखते हैं क्या मिलता है हमें पहली चेस्ट में। तो भाई अभी तो कोई ग्लिच वगैरह हो गया भाई, जिसकी वजह से भाई ये मेरी चेस्ट नहीं खुल पाई थी ये। तो भाई यहाँ पे एक चेस्ट खुल गई, तो भाई एक चेस्ट तो मेरी काम आ गई। बाकी यार यहाँ पे एक और मिशन था, जिसमें भाई हमें तकरीबन 100 वो चेस्ट खोलनी थी, तो उसको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज लिख कर लेता हूँ सारी, और देखता हूँ कोई मुझे डायमंड की मिल सकती है। वैसे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी यार ट्राई कर लेते हैं। तो नहीं यार, हमें मुझे सिल्वर की मिली है, तो सिल्वर की भी सही है, ज़्यादा बुरी नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो सारी सही है। और भाई अभी देखते हैं हमें कितनी और चेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है यार, इतनी सारी है, इनको भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो ठीक है, ये लेवल 3 हमें भी बहुत सी चीज़ें मिल गई। 1, 2 रियम की चेयर भी मैं ओपन कर देता हूँ, तो इसमें भी सही सामान मिल गया उनको, इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी सही है यार। और भाई यहाँ पे मैं सिल्वर रिलेक भी खोल ली, भाई इसमें भी सही सामान मिले। और भाई यहाँ पे मिथिक रैंक रिसोर्स सेल, इसको भी खोल देता हूँ। ये मुझे उससे रैंक अप सर्वाइवल डंजन से मिला था, और यहाँ पे लेवल 4 की उनको भी खोल लेता हूँ। भाई अभी मेरे में मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी चेस्ट नहीं है, क्योंकि भाई मैं सारी चेस्ट को फ़ौरन खोल लेता हूँ, मैं इनका वेट नहीं करता। मगर भाई अब से मैं वेट करूंगा चेस का, सिवाय एंसेस्टर रिलिक चेस की, उसको तो मैं वीडियो में ओपन करूंगा, जो भाई कल आ जाएगी। बाकी भाई यहाँ पे अभी मुझे देखता हूँ कितनी उसकी चेस की ज़रूरत है। तो भाई अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है ये कहाँ है। तो भाई ये रहा। तो भाई यहाँ पे हमारी 97 चेस्ट हुई है, और भाई यहाँ पे मेरी लास्ट मेडल है, ताकि मुझे चेस्ट मिल जाए। मैं यहाँ पे आया था ताकि मुझे एक चेस्ट मिल जाए। थोड़ी सी यार इसको मार देते हैं। और भाई यहाँ पे मुझे जो 3 चेस्ट चाहिए थी, वो मैं मतलब कि डंजन से खेल रहा हूँ, तो उसके लिए भाई मैंने एक बेटर लड़ी थी, तो उसके लिए चेस्ट मिल लेते हैं। और भाई हमें 5 जेम मिल गए, और यहाँ पे हमें 4 मतलब कि ब्रॉन्ज लेक चेस्ट मिल गई। तो भाई इसको मैंने कलेक्ट कर लिया, और भाई हम इसको ओपन कर देते हैं। तो ठीक है यार, सारी को ओपन कर लेते हैं। एंड भाई हमारा ये हो चुका है, और हमें 50 और पॉइंट मिल चुके हैं। तो भाई अब मैं और देखता हूँ और कौन कौन से चैलेंज है। भाई बाकी चैलेंज उतने मुश्किल हैं, तो ये जो कलेक्ट 400 मिलियन गोल्ड है, इसको तो मैं बाद में कर पाऊंगा, क्योंकि भाई अभी तो मेरा 125 मिलियन हुआ है। और भाई
इस न्यू ईयर चैलेंज को भाई 30 दिन रहते हैं, तो भाई 30 दिन में तो हम आराम से कर लेंगे कंप्लीट। आप भी चाहो तो आप भी कंप्लीट कर सकते हो, इसके चैलेंज इतने मुश्किल भी नहीं है। और भाई यहाँ पे डेली चैलेंज मिलती है, उससे भी आप जाके कलेक्ट कर सकते हो, तो भाई ये तो काफ़ी सही है। बाकी भाई अब मैं वापस मल्टीप्लेयर बैटल में आ चुका हूँ, सही है, क्योंकि यार चेस चाहिए भाई आ जाएंगे, मुझे लेवल 130 तक करने हैं। और भाई इसकी मतलब कि कोई एरा है इसका, कोई मतलब कि रैंक ऑफ सर्वाइवल डंजन भी नहीं आया है, तो भाई पता नहीं हो सकता है नेक्स्ट मंथ आ जाए, तब अभी तो हम लोग बैटल लड़ लेते हैं भाई, दिखती पाते हैं हम जीत पाते हैं या नहीं। ऐसे तो सारे ये मेट्रोपॉलिटन और भाई करप्टेड एरा के हैं, तो हमें तो आराम से जीतना चाहिए। थोड़ी की यार इसने मुझे पॉइजन दे दिया, और भाई अभी आजादी वो हुआ है उजेस, तो भाई इसने इतना डैमेज भी नहीं किया हमें। बाकी भाई साइक्लोन मार देता हूँ मैं, और भाई इसमें से एक तो मॉन्स्टर चले जाएगा, तो भाई तो काफ़ी सही हो गया। और भाई अभी लॉर्ड नेबुलस बचा हुआ है, देख पाते हैं ये मर जाता है या नहीं। ठीक है यार ये भी मर चुका है, और भाई मैं इसमें मर चुका, लेकिन यार मैं होली डिस्ट्रिक्शन कर देता हूँ, और भाई अब देखता हूँ जा पाते हैं या नहीं। ओके यार सूर्जा और भाई ये जो भी मॉन्स्टर है ये दोनों चले गए, और भाई हमारी यहाँ पे इजी विक्ट्री हो गई। देखते हैं यार हमारा चैलेंज भी कम्प्लीट हो चुका है, तो भाई कल तक एंसेस्टर रिलिक चेस्ट खुल जाएगी, और यहाँ पे हमें एक टीयर 3 का चेस्ट मिल गई, तो सही है टीयर 3 की चेस्ट भी सही है। बाकी भाई अभी जो एंसेस्टर रिलिक चेस्ट है उसके लिए मुझे बहुत कुछ ही पॉइंट्स चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल से कल तक ही वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं बाउंड्री हंट में चले जाता हूँ, और भाई यहाँ पे मैं लीग 7 में हूँ, तो देखता हूँ यहाँ मैं लीग 7 को कम्प्लीट कर पाता हूँ या नहीं। दौड़ी के यार अभी यहाँ पे मेरे 25 पॉइंट्स है सिर्फ, बाकी मेरे पास स्टेमिना वगैरह भी नहीं है, मैंने पहले ज़ाया कर दिया था, तो सही यार उसकी खैर है यार, हम इसको बाद में खेलेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, इसकी मिली है, और यहाँ पे लेवल 5 to 10 की चेस्ट मिली है, तो उसका मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ यार क्या मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे तो मुझे लेवल 5 की स्पीड जून मिली है, तो भाई यहाँ पे अभी मतलब कि 100 मिलियन 130 मिलियन जब हम गोल्ड कलेक्ट करेंगे तो हमें 20 जेम्स मिल रहे हैं, तो आप भी चलो जाके कर सकते हो, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है, तो सही है यार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।